हेलो एवरीवन आप सभी का स्वागत करता हूँ आपकी अपने चैनल बी एस की क्लासेस में और आशा करता हूँ उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे सुरक्षित होंगे और अपने आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे तो जिन लोगों का भी एग्ज़ाम यूपी पुलिस कांस्टेबल का है उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इस क्लास में मैं आप सभी के लिए हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके अलावा सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आता हूँ तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है सभी लोग एक बार क्लास को लाइक करेंगे और सभी लोग एक बार क्लास को शेयर करेंगे और बताएंगे पहले प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो सकता है कि पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है तो देखिए उससे महत्वपूर्ण बात है कि हम ये जाने द्वितीय विश्व युद्ध के क्या क्या परिणाम थे तो जो औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत हुआ ये एक द्वितीय विश्व युद्ध का ही परिणाम था उसके बाद बात करें जो इंग्लैंड की जो शक्ति में जो शक्ति में ह्रास हुआ वो भी किसका परिणाम था ये भी द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम था राष्ट्र संघ के गठन की अगर हम लोग बात करें तो आपको याद रखना है जो राष्ट्र संघ की स्थापना हुई ये पेरिस सम्मेलन के द्वारा की गई ये द्वितीय द्वितीय विश्व युद्ध के द्वारा इससे कोई भी संबंध जो है वो नहीं है ठीक है तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी वाला जो है यानी कि राष्ट्र संघ का गठन जो है ये द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है ठीक है बात आपको ध्यान रखना है चलिए तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर थ्री के साथ हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का अगला प्रश्न देखिए कि मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है तो आपको बताना है क्या गलत है इसे पुरातन व्यवस्था का मृत्यु प्रमाण पत्र कहा जाता है या ऑप्शन नंबर टू में है इसमें स्वतंत्रता समानता तथा बंधुत्व को अपनाया गया है या ऑप्शन नंबर सी है ऑप्शन नंबर थ्री है सभी वयस्कों को मत अधिकार दिया गया है या अपनी इच्छा के अनुसार धर्म पालन करने का अधिकार मिला है तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग तो आप सभी लोग देखिए याद रखिए कि मानव और नागरिकों के अधिकारों के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है उससे पहले हम लोग जान ले क्या सही है तो इसे पुरातन व्यवस्था का मृत्यु प्रमाण पत्र कहा गया है यह बात तो बिल्कुल सही है इसमें स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व को अपनाया गया है तो ये बात भी बिल्कुल सही है सभी वयस्कों को मत अधिकार दिया गया है तो भैया सभी वयस्कों को मत अधिकार नहीं दिया गया है ठीक है तो गलत कौन सा है ऑप्शन नंबर थ्री वाला आपका गलत हो जाएगा उसके बाद अपनी इच्छा के अनुसार धर्म पालन करने का अधिकार मिला है तो यह भी आपका सही है तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर थ्री आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है सही सुमेलित इसमें आपको करना है कि गांधी युग कब से कब तक रहा मोपला विद्रोह कब आया राष्ट्र स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई या ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई तो पूछा गया है कि सही सुमेलित जो है वो कौन सा है तो बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग तो राष्ट्र स्वयं संघ सेवक संघ की स्थापना जो है वो उन्नीस में हुई यही केवल बिल्कुल सही है बाकी सारे गलत हैं तो इस प्रकार अगर हम लोग बात करें ठीक है किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई राष्ट्र स्वयं संघ की स्थापना कहाँ पर की गई तो नागपुर आपको याद रखना है और किसके द्वारा की गई तो डॉक्टर केशव हेडगेवार के द्वारा की गई डॉक्टर केशव हेडगेवार के द्वारा की गई ये बात भी आप सभी लोगों को याद रखना है तो अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर कि औरंगजेब को मृत्यु पश्चात किस नेता के ममत में जाट काफी शक्तिशाली हुई थोड़ी सी यहाँ पर त्रुटि हुई देखने को मिल रही है प्रश्न में तो बात करें यहां पर इस प्रश्न के सही उत्तर की तो आपको याद रखना है देखिए औरंगजेब की मृत्यु के बाद ठीक तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी सत्रह सो सत्रह सो सात में इनकी मृत्यु हुई थी कब हुई थी सत्रह सो सात में तो इनकी मृत्यु हुई थी और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो मुगल की कमजोरियों का फायदा उठाते हुए जो है किसने यहाँ पर चुडामन लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है चुड़ामन लिखा हुआ है थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तो चुडामन ने अपने राज्य का विस्तार किया ठीक है तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर थ्री के साथ चला जाता है अगला प्रश्न देखिए कि पेशावर और काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े थे तो खैबर दर्रा बोलन दर्रा मैक मोहन मार्ग या हो ची मिन मार्ग तो किस माध्यम से वो एक दूसरे से जुड़े थे बताने की कोशिश करेगा आप सभी लोग तो देखिए अगर हम लोग बात करें खैबर दर्रा की तो पेशावर और काबुल जो है ये खैबर दर्रा से ही एक दूसरे से जुड़े थे तो इस प्रकार आपके इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर वन के साथ चला जाता है और जो लोग भी ऑप्शन नंबर वन के साथ हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि फर वनस्पति जो है ये निम्न में से किससे संबंधित है एक वनस्पति होता है जिसका नाम होता है फर तो ये किससे संबंधित है ये आपसे पूछा जा रहा है मैंग्रोव वन से संबंधित है मानसूनी वन से संबंधित है या अल्पाइन वन से संबंधित है या पतझड़ वन से संबंधित है तो यहां पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है तो अल्पाइन वन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है यानी कि जो फर वनस्पति है ये अल्पाइन वनों से संबंधित होता है तो इस तरह जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर थ्री के साथ हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का अगला प्रश्न देखिए जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नाथुला दर्रा ये किस राज्य में स्थित है सिक्किम में स्थित है जम्मू कश्मीर में है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है या हिमाचल प्रदेश में स्थित है तो सभी लोग देखिए बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है तो यहां पर आपका राइट आंसर जो है वो किसके साथ जा रहा है भाई ऑप्शन नंबर वन के साथ जा रहा है यानी कि सिक्किम पे तो नाथुला दर्रा जो है वो कहां पर है सिक्किम में बात आपको ध्यान रखना है और सिक्किम की अगर राजधानी पूछ ली जाए तो क्या बताओगे गंगटोक आप सभी लोगों को बताना है अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इसका सही उत्तर इसमें आपको बताना है उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का पद में सृजित किया गया है कब सृजित किया गया है 1950 में सृजित किया गया था या 1965 में या पचहत्तर में या 1977 में तो जो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त होते हैं इनका पद कब सृजित किया गया था इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी लोगों को बताना है बताइए भाई चलिए तो यहाँ पर देखिए दो तीन बातें आपको ध्यान रखना है पहली बात आपको ध्यान रखना है जो लोकायुक्त की नियुक्ति है लोकायुक्त की नियुक्ति है ये उन्नीस 1975, 1975 लोकायुक्त अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश में की गई लोकायुक्त की नियुक्ति सबसे पहले कहाँ की गई उत्तर प्रदेश में की गई 1975 के लोकायुक्त अधिनियम के तहत की गई ये बात आपको ध्यान रखना है और अगर पूछे आपसे इसका गठन कब हुआ था तो 14 सितंबर कब 14 सितंबर 1977 को इसका गठन हुआ यह बात आप सभी लोगों को याद रखना है तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जो लोग भी सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर तो पूछ में आपसे पूछा जा रहा है कि चंद्रमा की घूर्ण अवधि कितनी है 24 घंटे है 28 दिन है 12 घंटे है या एक वर्ष है देखिए आपको यहाँ पर दो बातें याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रमा जो है ये पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिन में पूरी करता है तो सत्ताईस पॉइंट तीन दिन आपको आंसर बताना है और अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी जो चंद्रमा जो है ये अपने अक्ष के चारों ओर एक पूरा चक्कर जो है लगाती है कितने समय में कितने दिन में तो भी सत्ताईस दिन आपको बताना है तो सत्ताइस दिन तो है नहीं अट्ठाइस दिन है तो इस प्रकार यही आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है यानी कि चंद्रमा की घूर्ण अवधि जो है वो लगभग लगभग अट्ठाईस दिन है बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है उत्तर पूर्व मानसून से आती है या दक्षिण पश्चिम मानसून से या पश्चिम विक्षोभ से या टोरनेडो से तो बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है बताइए चलिए तो दक्षिण पश्चिम मानसून से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है यानी कि ऑप्शन नंबर बी ठीक है यानी कि तमिलनाडु में जो शीतकालीन वर्षा आती है ये कहाँ से तो दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से आती है दक्षिण पश्चिम मानसून से आती है तो ये बात यह प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को याद रखना है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अगला प्रश्न देखिए कि राजगीर में रोपवे का निर्माण किस देश की सरकार के सहयोग से किया गया है बताइए ये अच्छा क्वेश्चन है तो बताने की कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग कि जो राजगीर है वहाँ पर जो रोप वे का निर्माण किया गया, गया है ये किस सरकार के सहयोग से किया गया है तो जापान के सहयोग से किया गया और अगर पूछे जापान की राजधानी क्या है तो क्या बताओगे टोक्यो जो है ये जापान की राजधानी है बात भी आपको ध्यान रखना है जापान में चलता क्या है मुद्रा क्या है तो येन जो है जापान, है जापान की मुद्रा है ये बात भी आपको ध्यान रखना है अगला प्रश्न देखिए कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग बताइए भाई चलिए तो यहां पर अगर हम लोग बात करें जो भारत में दूसरा सबसे बड़ा जल प्रपात है वो जोग जलप्रपात है कौन सा जलप्रपात है जोग जलप्रपात है बात आपको ध्यान रखना है ये जोग जलप्रपात जो है ये महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर शरावती नदी पर स्थित है जो जोग जलप्रपात है ये शरावती नदी पर स्थित है महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर यह बात भी आपको ध्यान रखना है अगला प्रश्न देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा वर्ष है जिसमें पहला पृथ्वी सम्मेलन को आयोजित किया गया कब प्रथम पृथ्वी सम्मेलन को आयोजित किया गया बताने की कोशिश कीजिए 2001 1982 1992 या 2011। तो आप सभी लोग यहाँ पर याद रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रथम विश्व प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है यह उन्नीस में आयोजित किया गया चलिए तो जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर थ्री के साथ हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का बहुत बढ़िया वेरी गुड क्लास अगला प्रश्न देखिए के राउर केला लहो एवं इस्पात संयंत्र जिस राज्य में स्थित है वह क्या है उस राज्य का नाम क्या है तो राउर केला लहो इस्पात संयंत्र कहां पर स्थित है बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग बताइए चलिए तो क्या इस प्रश्न का सही उत्तर हो सकता है बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग तो यहाँ पर आपको देखिए याद रखना है कि जो राउरकेला लहो एवं इस्पात संयंत्र है ये कहाँ पर स्थित ओडिशा राज्य में स्थित है अगर आपसे राज्य पूछा जाए तो ओडिशा आप लोग बताओगे ओडिशा में क्या जगह का नाम है राउरकेला जगह का नाम है तो आपको याद रखना है ये कहाँ पर स्थित है ओडिशा के राउरकेला में राउरकेला में भी एक जगह है जिसका नाम क्या है दौसा जिसका नाम है तो यहाँ पर ये स्थित बात आपको ध्यान रखना और जर्मनी के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था 1955 में ये बात भी आपको ध्यान रखनी है भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है तो जिससे होकर जो है वो कर्क रेखा नहीं गुजरती है आप सभी लोग जानते हैं कर्क रेखा जो है किन किन राज्यों से होकर गुजरती है गुजरात है राजस्थान है मध्य प्रदेश है छत्तीसगढ़ है उसके अलावा झारखंड हो गया पश्चिम बंगाल हो गया त्रिपुरा और मिजोरम तो ये राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुज़रती है लेकिन अगर हम लोग बात करें क्या मुझे ये बताइए मिजोरम नाम लिया त्रिपुरा लिया झारखंड या क्या उत्तर प्रदेश मैंने नाम लिया तो नहीं लिया तो कर्क रेखा उत्तर प्रदेश राज्य से होकर नहीं गुजरती है ये बात ये प्रश्न का उत्तर आपको ध्यान रखना है तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर वन के साथ हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का अगला प्रश्न देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है तो कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है उसके बारे में आपको बताना है कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है अक्षांश है ये तो करता है समुद्र से दूरी है ये भी है पृथ्वी की परिक्रमण गति ये भी है पृथ्वी की परिभ्रमण गति ये नहीं है भाई तो कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है तो जो ऑप्शन नंबर डी वाला है यानी कि फोर वाला है पृथ्वी की परिभ्रमण गति जो है ये नहीं करती है नहीं करती है तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है तो जो लोग भी सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर उत्तर होगा तो बिल्कुल सही उत्तर है आप आप सभी लोगों का का अगला प्रश्न प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताने की कोशिश करेंगे इस का सही उत्तर आपका क्या है तो जनगणना 2011 के अनुसार किस व्यावसायिक वर्ग में भारत की कार्यशील जनसंख्या की संलग्नता द्वितीय सबसे ज्यादा रही यानी कि द्वितीय स्थान पर सबसे ज्यादा रही दूसरी सबसे ज्यादा रही प्राथमिक द्वितीय तृतीय या चतुर्थक तो यहां पर आपका राइट right आंसर जो है वो किसके साथ चला जाता है ऑप्शन नंबर टू के साथ चला जाता है बात आपको ध्यान ध्यान रखना रखना है 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 ठीक तो ये बात आप सभी लोगों को ध्यान रखना है यहां पर तो को हम विनिर्माण भी कह सकते हैं विनिर्माण क्षेत्र भी कह सकते हैं चलिए तो अगला प्रश्न देखिए और पूछा जा रहा है कि कंगारू कहां का मुख्य पशु है कंगारू जो है ये कहा का मुख्य पशु है केन्या का है मेक्सिको का है कनाडा का है या ऑस्ट्रेलिया का है तो बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग आपको पता होना चाहिए कि जो कंगारू है ठीक है ये जो कंगारू है ये कहाँ का मुख्य पशु है तो ऑस्ट्रेलिया का मुख्य पशु है बात आपको ध्यान रखना है बात करें ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है तो केन ये बात भी आपको ध्यान रखना है क्या इसकी राजधानी है केन राजधानी है याद रखना है चलिए तो आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर जा रहा है अब इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि जो संयुक्त राष्ट्र दिवस है ये कब मनाया जाता है तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है बताने की कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग बताइए देखिए आप सभी लोग जानते होंगे कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी चौबीस अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी तो यह पूरी बात आपको ध्यान रखना है कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को तो यहाँ पर तो 24 अक्टूबर ऑप्शन नंबर वन में लिखा हुआ है तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर वन के साथ हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का बहुत बढ़िया वेरी गुड क्लास आप सभी लोगों से एक बार यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक विनम्र निवेदन करूंगा कि क्लास आप सभी लोग क्या कर दी भैया शेयर कर दीजिए आप सभी लोग एक बार क्लास को मिलकर शेयर कर, कर दीजिए तो, तो उम्मीद करता हूं आशा करता हूं आप सभी लोगों ने क्लास को शेयर किया होगा आप सभी का दिल से धन्यवाद चलिए तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है रोम में है जिनेवा में है पेरिस में है या न्यूयॉर्क में तो बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है बताने की कोशिश कीजिए देखिए यूनेस्को की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो क्या बताओगे यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये तो इसकी फुल फॉर्म होगी बात आपको ध्यान रखना है इसके हेडक्वाटर कहाँ है तो फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है यानी कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो है इसका हेडक्वार्टर है बात आप सभी लोगों को याद रखना है ये बात आप सभी लोगों को याद रखना है चलिए अगर आपसे पूछा जाए इसका गठन कब हुआ था संयुक्त राष्ट्र का ठीक है तो आप सभी को मालूम है यूनाइटेड नेशन का गठन कब हुआ था 1945 में हुआ था 1945 में किसका गठन हुआ था संयुक्त राष्ट्र का अभी ऊपर भी मैंने आपको बताया था ये प्रश्न बन सकता है ना ये प्रश्न आपका बन सकता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ चलिए तो चौबीस अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ था बात आपको ध्यान रखना और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है तो पेरिस में है ये बात भी आपको ध्यान रखना है अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर पूछा जा रहा है कि संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है फुटबॉल से क्रिकेट से शतरंज से या टेनिस से संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है बताने की कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग बताइए चलिए तो यहाँ पर आप सभी लोग देखिए याद रखेंगे कि जो संतोष ट्रॉफी है ये किससे संबंधित है यह फुटबॉल से संबंधित है किससे संबंधित है भैया फुटबॉल से संबंधित फुट है बात आप सभी लोगों को याद रखना है तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर वन के साथ हैं बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का योक्ष क्षेम वहा म्याम किसका आदर्श वाक्य है तो किसका आदर्श वाक्य है भारतीय स्टेट बैंक का या एल ऑफ इंडिया का या लोकसभा का या प्रधानमंत्री कार्यालय का तो बताने की कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है तो यहां पर अगर हम लोग बात करें इसका राइट आंसर जो होगा वो भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा यानी कि जो आपको दो शब्द दिख रहे हैं योग सेम वहाम ये किसका आदर्श वाक्य है तो भारतीय स्टेट बैंक यानी के एस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप सभी लोगों को बताना है चलिए तो अगला प्रश्न देखेंगे अच्छा इसका मतलब क्या होता है योम शेख से यम इसका मतलब होता है कि मैं अपने भक्तों का ख्याल रखूंगा जो स्टेट बैंक ये कह रही है मैं अपने भक्तों का ख्याल रखूंगा तो अगला प्रश्न देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या है कि पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकारों का, का प्रावधान हमारे संविधान के किस भाग में स्थित है बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है बताइए तो आप सभी को बताएं कि मौलिक अधिकारों का संविधान में भाग जो है भाग तीन में वर्ण किया गया है और अनुच्छेद बारह से पैंतीस में वर्ण किया गया भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गढ़ के सदस्य करते हैं जिसमें संसद के दोनों सदस्यों के सदस्य होते हैं या ऑप्शन नंबर टू है संसद के दोनों सदनों के सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य होते हैं या संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं ऑप्शन नंबर फोर में लिखा हुआ है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और स्थानीय निकायों के निर्वाचित सदस्य होते हैं तो बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है तो आप सभी को देखिए याद रखना है क्या ध्यान रखना है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्यों करते ऐसे सदस्य करते हैं जो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और राज्यों के विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य होते यानी कि कुल मिला निर्वाचित सदस्य होते हैं मनोनी सदस्य नहीं होते हैं तो इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री के साथ चला जाता है अगला प्रश्न देखिए कि नागालैंड की राजधानी क्या है आपको बताना है शिलोंग है आइजोल है इम्फाल है या कोहिला है तो यहां पर आप सभी लोगों को याद रखना है कि नागालैंड की राजधानी कोहिमा है क्या है भैया कोहिमा है बात आप सभी लोगों को याद रखना है तो इस प्रकार जो लोग भी ऑप्शन नंबर फोर के साथ हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का अगला प्रश्न देखिए कि इंटरनेट जो है ये एक लोकल कंप्यूटर नेटवर्क है वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर नेटवर्क है या इंटर कनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क है या वर्ल्ड वाइड इंटर कनेक्टेड कंप्यूटर्स नेटवर्क है तो बताने की कोशिश कीजिए कि इंटरनेट क्या है तो आप सभी लोग याद रखेंगे इंटरनेट जो है ये वर्ल्ड वाइड इंटर कनेक्टेड कंप्यूटर्स नेटवर्क है तो इस प्रकार आपका राइट आंसर अगर जा रहा है ऑप्शन नंबर फोर के साथ तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का ऑफलाइन ऑपरेशन डिवाइसों का ऑपरेशन है यह प्रक्रिया निम्नलिखित के नियंत्रण के बिना निष्पादित की जाती है मेमोरी के बिना सी के बिना ए के बिना या कंट्रोल यूनिट के बिना तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो सी हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट right आंसर तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं बी नहीं बल्कि टू के साथ हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का अगला प्रश्न देखिए कि डाटा को लॉजिकल डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्या कहलाती है बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग सेटिंग कह सकते हैं क्लासिफाइंग कह सकते हैं रिप्रोड्यूसिंग कह सकते हैं समराइजिंग कह सकते हैं बताइए चलिए तो यहां पर आप सभी लोगों को याद रखना है क्या कह सकते हैं बताने की कोशिश कीजिए सॉर्टिंग कह सकते हैं उसको क्या कह सकते हैं सॉर्टिंग कह सकते हैं तो इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर वन के साथ चला जाता है तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर वन के साथ हैं बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का ऑफिस टू में अंतिम परिवर्तन को रिवर्स करने के लिए निम्नलिखित में से किस की शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस यू कंट्रोल प्लस वी कंट्रोल प्लस एक्स या कंट्रोल प्लस जेड तो बात करें इस प्रश्न का राइट आंसर आपका जो हो वो कंट्रोल प्लस जेड आप सभी लोगों को याद रखना है यह भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, है तो एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एक एक प्रश्न चलिए तो अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज मीडिया केवल सिक्वेंशियल उपलब्ध कराता है फ्लॉपी डिस्क मैग्नेटिक टेप ऑप्टिकल डिस्क या दो और तीन वाले ऑप्शन दोनों तो यहां पर आप सभी लोग देखिए याद रखेंगे जो मैग्नेटिक टेप होता है आपका ये जो ए, ऐसा है कि स्टोरेज मीडिया केवल सिक्वेंशियल एक्सेस उपलब्ध कराता है कौन सा मैग्नेटिक टेप जो है स्टोरेज मीडिया ये सिर्फ और सिर्फ सिक्वेंशियल एक्सेस को उपलब्ध कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग आपको बताना है तो हिंदी के महत्वपूर्ण पर शुरू हो चुके हैं कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग आप लोग बताएंगे क्या हम लोग कह सकते हैं कृष्ण का स्त्रीलिंग तो आप सभी लोग याद रखेंगे कि बालक का क्या होता है भाई बालिका हो जाएगा ठीक है सुत का क्या होता है सुता हो जाएगा तो उसी प्रकार कृष्ण का भी क्या हो जाएगा कृष्णा हो जाएगा तो कृष्ण का स्त्रीलिंग अगर आपसे पूछे तो क्या बताओगे कृष्णा बताओगे ये बात आपको ध्यान रखना है अगला प्रश्न देखिए माटी की मूर्तें माटी की मूर्त किस लेखक की रचना है बताने की कोशिश कीजिए बताए भाई क्या इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा मार्टी की मूर्ति जो है किस लेखक की रचना है तो राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है और आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही जा रहा है बहुत बढ़िया वेरी गुड क्लास अगला प्रश्न देखिए कि संघ की भाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है उपयुक्त प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है ये कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ ये बताने की कोशिश करेंगे तो आप सभी लोग देखिए अच्छे से जानते हैं अनुच्छेद तीन के अनुच्छेद तीन के क्लॉज एक में ये बात लिखी हुई और तीन सौ पर है ऑप्शन नंबर वन में है यहाँ पर तो अरे भाई यहाँ पर भी है तो कोई बात नहीं आपको ये अनुच्छेद याद रखना है अनुच्छेद तीन का क्लॉज वन तो अगला प्रश्न देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है तो पूछा जा रहा है यहां पर विष भानुजा किस शब्द का समानार्थी शब्द है जानकी का राधा का पार्वती का या आपकी सीता का तो देखिए बात करें यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो वृषभानुजा भानुजा जो होगा ये राधा का एक समानार्थी शब्द हो जाएगा किसका हो जाएगा राधा का एक समानार्थी शब्द हो जाएगा आप सभी लोगों को याद रखना है अगला प्रश्न देखिए कि आदर देने एवं बड़प्पन के लिए किस वचन का प्रयोग किया जाता है आदर देने और बड़प्पन के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो क्या हमेशा एक वचन का इस्तेमाल करते हैं एक वचन करते हैं बहुवचन करते हैं या बहुवचन का करते हैं तो कभी भी किसी को आदर दो तो बहुवचन का इस्तेमाल लगाओ ठीक जिसके पिताजी आ रहे हैं तो आ रहे हैं या आपका बहुवचन हो जाएगा अगर आ रहा है तो तो वो तो गलत हो जाएगा भाई वाक्य ही गलत हो जाएगा अगला प्रश्न देखिए कि हुई वीरता की डैश के साथ सगाई झांसी में सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्ति को पूर्ण आपको करना और बताना है खाली जगह में कौन सा शब्द आ जाएगा तो बात करें वैभव आएगा वीरांगना आएगा कायर आएगा या संपन्नता आएगा तो कुछ बच्चों का यहाँ पर आंसर जा रहा है वैभव के साथ जो कि बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में तो अगला प्रश्न देखेंगे और बता देंगे इस प्रश्न का सही उत्तर कि वर्तनी संबंधी सही शब्द आपको बताना है कौन सा है तो बात करें यहाँ पर सही शब्द कौन सा लिखा हुआ है तो अभिनेता ऐसे नहीं लिखा जाता है बाह में छोटी ई की मात्रा बनेगी उन्नति भी आपका उन तामे बड़ी की मात्रा लगी तामे छोटी की मात्रा लगेगी उसके बाद लिखा हुआ है अवनति इसमें भी बड़ी की मात्रा लगी छोटी की मात्रा लगेगी ती में लेकिन पूर्ति यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध शब्द है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा और सभी का उत्तर भी यहाँ पर बिल्कुल सही जा रहा था बहुत सुस्ती से काम करना इसके लिए मुहावरा आपको बताना है क्या इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है क्या हो सकता है बताइए अच्छा ये जो बहुत सुस्ती से काम करना इसके लिए मुहावरा आपको बताना है कौन सा मुहावरा उचित होगा तो कौआ चले हंस की चाल नहीं चोरी का माल मोरी में नहीं नौ दिन चले अड़ाई को हाँ तो ये बिल्कुल सही उत्तर होगा यानी कि ये इसका इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा नौ दिन चले अड़ाई को तो जो लोग भी इस प्रकार ऑप्शन नंबर थ्री के साथ हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बता देंगे इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है तो यहां पर कथा सम्राट कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद्र को तो मुंशी प्रेमचंद्र जो है इनका वास्तविक नाम आपको बताना है क्या है मुंशी प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम आप सभी लोग जानते हैं कि धनपत राय है क्या है धनपत राय है बात आप सभी लोगों को याद रखना है वाराणसी में इनका जन्म हुआ यह बात भी आपको ध्यान रखना है और मुंशी प्रेमचंद्र को कथा का सम्राट कहा जाता है तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर थ्री के साथ हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का अगला प्रश्न देखिए माखन लाल चतुर्वेदी को उनकी कौन सी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था तो उनकी कौन सी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था साहित्य देवता के लिए युग चरण के लिए यही तरंगिनी के लिए यही किरेटनी के लिए तो बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है बताइए चलिए तो आंसर आना यहाँ पर शुरू हो चुके हैं हिम तरंगिनी के साथ आपका उत्तर जा रहा है कुछ बच्चे जो है ऑप्शन नंबर फोर भी लगा सकते हैं तो ऑप्शन नंबर फोर नहीं लगाना है बल्कि माखन लाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनकी रचना हिम तरंगिनी के लिए अगला प्रश्न देखिए आयात किस शब्द का विपरीत है तो आयात का आपको क्या बताना है विलोम बताना है क्या हो सकता है देखिए आयात का मतलब होता है किसी दूसरे देश से सामान को मंगाना या किसी चीज को भी मंगाना और निर्यात का मतलब होता है अपने देश से कोई सी चीज को बाहर भेजना तो आयात का विलोम क्या हो जाएगा निर्यात हो जाएगा तो इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर के साथ चला जाता है समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त तो विकल्प आपको बताना है कौन सा समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त तो जो उपयुक्त ना हो उस जोड़े के बारे में आपको बताना है बताए भाई चलिए तो उपयोगी को हम लोग उपदेह भी कह सकते हैं स्टिकर भी कह सकते हैं काक को सारंग कहेंगे मयूर कहेंगे नहीं भैया काक को हम लोग नहीं कह सकते क्योंकि सारंग और काक और सारंग जो है नहीं सारंग और मयूर जो है ये तो मोर के पर्यावाची हैं का काक के पर्यावाची नहीं है लेकिन पुष्कर जलाशय का पर्यावाची ताल का पर्यावाची उसी प्रकार भूमि को मही और धरा कह सकते हैं तो कौन सा अनुपयुक्त होगा ऑप्शन नंबर टू वाला अनुपयुक्त होगा तो निम्न में से कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित नहीं है तो उससे महत्वपूर्ण बात देखिए यह है कि कौन कौन सी रचनाएँ शमशेर बहादुर सिंह की है ठीक है कि कौन कौन सी रचनाएं शमशेर बहादुर की हैं तो अगर हम लोग देखिए बात करें इतने आसपास इतने पास अपने तो ये तो आपकी शमशेर बहादुर सिंह की है उदिता भी आपकी शमशेर बहादुर सिंह की है और काल तुझसे होड़ है मेरी ये भी शमशेर बहादुर सिंह की है लेकिन जो बिखरे मोती आपने पढ़ा होगा ये आपकी सुभद्रा कुमारी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है किसकी रचना है ये तो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है ये शमशेर सिंह की नहीं है तो इस प्रकार आपका राइट आंसर क्या चला जाता है ऑप्शन नंबर फोर के साथ चला जाता है अगला प्रश्न देखिए कि किस कवि ने अपने काव्य में शिल्प के स्तर पर फैंटेसी का प्रयोग किया है तो ये भी आपका अच्छा प्रश्न है और अक्सर पूछा जाता है ये प्रश्न तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या होगा तो किस कवि ने अपने काव्य में शिष्ट के स्तर पर फैंटेसी का इस्तेमाल किया है तो मुक्ति बोध ने किया है किसने किया है मुक्ति बोध ने किया है यह बात आप सभी लोगों को याद रखना है छायावाद के प्रवर्तक अगर आपसे पूछे जाए कौन है तो क्या बताओगे आप लोग को बताना है जयशंकर प्रसाद चलिए तो अगला प्रश्न देखिए और बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है तो रघुवीर सहाय किस सप्तक में शामिल कवि थे तार सप्तक में दूसरे सप्तक में तीसरे सप्तक में या चौथे सप्तक में तो क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग बताइए चलिए तो दूसरे सप्तक में ये शामिल कवि थे जो रघुवीर सहाय थे ये कौन से सप्तक में शामिल कवि थे तो ये प्रश्न पूछा जाता है दूसरे सप्तक में शामिल ये एक कवि थे जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी लोगों को याद रखना है अगला प्रश्न देखिए कि राजकमल चौधरी की मैथिली कृतियों का मूल स्वर क्या है बताइए भाई क्या है प्रकृति चित्रण है राष्ट्रीय भावबोध जगाना है या ग्रामीण रूढ़ीवादी ढांचे पर प्रहार करना है या ग्रामीण लोक संस्कृति का चित्रण करना है तो सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है तो आप सभी लोग याद रखेंगे देखिए भाई आप सभी लोग याद रखेंगे कि रूढ़ीवादी सॉरी ग्रामीण रूढ़ीवादी ढांचे का प्रहार यानी कि जो राजकमल चौधरी की मैथिली मैथिली कृतियों का जो मूल स्वर है वो कौन सा है ग्रामीण रूढ़ीवा रूढ़ीवादी ढांचे पर प्रहार करना ही इनका क्या है मूल स्वर है ये बात आपको ध्यान रखना है और प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को ध्यान रखना है अगला प्रश्न देखिए कि विनोद कुमार शुक्ल की किस कहानी संग्रह का इतालवी भाषा में अनुवाद हो चुका है तो नौकरी की कमीज खिलेगा तो दिखेगा महाविद्यालय या पेड़ पर कमरा तो बताने की कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है चलिए तो अब पहली बात तो आपको ध्यान रखना है क्या कि विनोद कुमार शुक्ला की यह रचना है पेड़ पर कमरा और इस कहानी का संग्रह जो है इतालवी भाषा में हो चुका है इतालवी भाषा में इसका अनुवाद हो चुका है कौन सी रचना है पेड़ पर कमरा है पूछा जा सकता है कि पेड़ पर कमरा पेड़ पर कमरा जो है किसकी रचना है तो क्या बताओगे विनोद कुमार शुक्ल की रचना है तो अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बता देंगे इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है तो निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के सही अक्षर विन्यास के शब्दों को चुनकर लिखना है आपको चलिए तो शुद्ध शब्द का आप लोग बताने की कोशिश कीजिए कैसे ईमानदारी लिखा जाता है तो ईमानदारी देखिए ऐसे तो ये तो गलत है ईमानदारी लिखा है ये भी गलत है ये इसमें छोटी ई की मात्रा लगी इसमें आपकी बड़ी ई की मात्रा लगी और ईमानदारी इस प्रकार लिखा जाता है तो इस प्रकार आपका राइट आंसर जो है वो क्या चला जाता है ऑप्शन नंबर वन के साथ आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर चला जाता है अगला प्रश्न देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है कि पूछा जा रहा है कि शुद्ध शब्द आपको बताना इसमें से कौन सा है तो शुद्ध शब्द बताने की कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग इसका राइट आंसर क्या है बताइए देखिए ज्यादातर आपने देखा होगा समृद्ध जो है इस प्रकार लिखा जाता है किस प्रकार इस प्रकार आपका समृद्ध लिखा जाता है और ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर वन में लिखा हुआ है ठीक है ऑप्शन नंबर वन में लिखा हुआ है तो यही आपके प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बाकी ये सारे ये सारे ये सारे इनकी तो वर्तनी अशुद्ध है तो शुद्ध वर्तनी किसकी है ऑप्शन नंबर वन वाले की है अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है तो पूछा जा रहा है कि त्यौहार आपको बताना है किस प्रकार लिखा जाता है तो त्यौहार तो आप लोग इस तरह से लिखते हो त्यौहार आप लोग इस तरह से लिखते हो और ऐसे कहाँ पर लिखा हुआ है कहाँ पर लिखा हुआ है बताने की कोशिश कीजिए ऑप्शन नंबर थ्री में लिखा हुआ है तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर थ्री के साथ हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का बहुत बढ़िया वेरी गुड क्लास अगला प्रश्न देखिए और इसमें भी अब आपको शुद्ध वर्तनी बताना है किस शब्द की वर्तनी आपको शुद्ध लग रही यानी कि दुरुपयोग किस प्रकार लिखा जाता है तो देखिए इसमें बड़े ऊ की मात्रा नहीं आएगी छोटे ऊ की मात्रा आएगी राम की बात कर रहा हूँ दुरु हो जाएगा प्रयोग हो जाएगा दुरुपयोग ठीक है दुरुपयोग हो जाएगा तो ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर वन में लिखा हुआ है क्योंकि दूसरे वाले ऑप्शन में तो बड़े की मात्रा लगी है तो इस प्रकार आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर वन के साथ चला जाता है अगला प्रश्न देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या है तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि ठीक सर्वनाम चुनकर खाली जगह भरना है आपको हमेशा सच बोलिए ठीक है हमेशा सच बोलिए तो पहले आपको बताना है क्या आ सकता है यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कौन सा शब्द आ जाएगा तो तू हमेशा सच बोलिए तो गलत हो जाएगा तुम हमेशा सच बोलिए भी गलत है तुम हमेशा सच बोलो ये होना चाहिए तो आप हमेशा सच बोलिए ये सही है वह हमेशा सच बोलिए तो वह भी गलत हो जाएगा आप यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से लग रहा है ठीक है तो इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री के साथ चला जाता है वेरी गुड बहुत बढ़िया अगला प्रश्न देखिए कि मीठा शब्द जो है इसका भाववाचक संज्ञा आपको बताना है क्या हो सकता है बताइए चलिए तो बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है देखिए अगर हम लोग बात करें मिठाई होगा मिठासी होगा मीठी होगा या मीठ होगा चलिए देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें मीठा का जो होगा ये बताने की कोशिश कीजिए तो ये प्रश्न आपके लिए हो होमवर्क के लिए रहा इसका उत्तर आप सभी लोग बताओगे तो अगला प्रश्न देखिए और बताइए इसका राइट आंसर कि माता शब्द का बहुवचन आप लोग अगर बनाओगे तो किस प्रकार बनाओगे बताइए माता का बहुवचन किस प्रकार बनेगा आप सभी लोग जानते हैं माताएं बन जाएगा माताएं बन जाएगा और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर थ्री में लिखा हुआ है तो इस प्रकार आपका राइट right आंसर अगर जा रहा है ऑप्शन नंबर थ्री के साथ तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का अगला प्रश्न देखिए हिम्मत हारना इस शब्द का अर्थ आपको बताना है क्या हो सकता है अधीर होना खुश होना खामोश होना या रोते बैठना हिम्मत हारने का मतलब क्या होता है आप सभी लोग अच्छे से जानते हो तो बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग इसका राइट right आंसर क्या है बताइए चलिए तो हम लोग कह सकते हैं कि हिम्मत हारना यानी कि अधीर होना खुश होना तो कह नहीं सकते खामोश भी नहीं कह सकते रोते बैठना भी नहीं कह सकते तो अधीर होना यानी कि हिम्मत हारना ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है आप सभी लोगों का तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर वन के साथ हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का अगला प्रश्न देखेंगे और बता देंगे इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या है तो फूल का समानार्थक शब्द आपको बताना है क्या होता है देखिए फूल को हम लोग कुसुम भी कहते हैं सुमन भी कहते हैं प्रसून भी कहते हैं पुषुभ पुहब भी कहते हैं और मंजरी भी कहते हैं तो यहाँ पर आप सभी लोग याद रखेंगे बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है कि फूल का समानार्थी शब्द जो होगा वो पुष्प हो जाएगा तो इस प्रकार आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर थ्री के साथ चला जाता है अगला प्रश्न देखिए कि टोपी का अगर बहुवचन बनाएंगे तो किस प्रकार बनेगा इसका बहुवचन तो टोपी का अगर हम लोग बहुवचन बनाए तो किस तरह से लिखेंगे टोपियाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे टोपियाँ लिखेंगे तो टोपियाँ ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है तो आप लोग बताओगे ऐसा तो ऑप्शन नंबर टू में लिखा है तो यही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है खेती बाड़ी करने वाले को हम लोग क्या कह सकते हैं देनार कहेंगे किसान कहेंगे कुम्हार कहेंगे या जुलाहा कहेंगे तो ये भी आपका बहुत ही आसान सा प्रश्न है बताने की कोशिश कीजिएगा आप सब लोग देखिए मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुम्हार कहेंगे और जो कपड़ा बुनता है उसको तो जुलाहा कहा जाता है बात आपको ध्यान रखना जो सोने चांदी के आभूषण बनाता है उसको सुनार कहा जा सकता है लेकिन किसान तो उसी को कहेंगे जो खेती बाड़ी करेगा जो खेती बाड़ी करेगा उसे क्या कहेंगे किसान कहेंगे तो इस प्रकार आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर टू के साथ चला जाता है तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर टू उत्तर कर रहे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का तहस नहस हो जाना इसका मतलब आपको बताना है क्या होता है भाई तहस नहस हो जाना इसको हम लोग क्या कहेंगे बढ़ जाना यथावत रहना कम होना या नष्ट होना बताइए देखिए बात करें तहस नहस होना यानी कि सब कुछ ख़त्म हो जाना सब कुछ बर्बाद हो जाना तो बढ़ जाना इसका तो मतलब होगा नहीं यथावत या रहना यानी कि उसी अपनी स्थिति में रहना नहीं कह सकते हैं तो कम होना या नष्ट होना इसका क्या राइट आंसर होगा तो इन दोनों में से उपयुक्त जो होगा वो नष्ट होना हम लोग इसका ज़्यादा बेहतर उत्तर लगा सकते हैं यानी कि तहस नहस हो जाना यानी कि नष्ट हो जाना तो इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर के साथ चला जाता है अगला प्रश्न देखिए कि इनमें से व्याकरण शुद्ध है यानी कि आपको बताना है कौन सा वाक्य यहां पर बिल्कुल सही तरीके से लिखा गया हरि ने पाठ पढ़ा हरि पाठ पढ़ा हरि ने पाठ पढ़ी या हरि पाठ पढ़ी तो यहाँ पर आपके प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है बताने की कोशिश कीजिए देखिए बात करें हम लोग हरी पाठ पढ़ी क्यों होगा हरी ने पाठ पढ़ा ये हम लोग कह सकते तो ये तो गलत हो जाएगा हरी ने पाठ पढ़ी नहीं हरी ने पाठ पढ़ा ये होना चाहिए हरी पाठ पढ़ा हरी ये भी गलत हो जाएगा सरासर गलत हो जाएगा हरी ने पाठ पढ़ा हा ये वाला वाक्य आपका बिल्कुल सही है यानी कि ऑप्शन नंबर वन जिन लोगों का भी उत्तर जा रहा है तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का अगला प्रश्न देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या है तो पंडित जी आप भी जानी पंडित जी आप भी पानी ठीक क्रियापद से खाली जगह आपको भरना है क्या आ सकता है और क्या हो सकता है इस प्रश्न का राइट आंसर तो पंडित जी आप भी पानी पानी के बाद कौन सा शब्द आ जाएगा यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कौन सा शब्द आ जाएगा तो पंडित जी आप भी पानी पी आएगा पंडित जी आप भी पानी पियो आएगा या पंडित जी आप भी पानी पी ले आएगा या पंडित जी आप भी पानी पी जी आएगा तो जो उपयुक्त विकल्प है वो हमको छाटना होता है उपयुक्त विकल्प के बारे में आप सभी लोग बता दोगे भाई क्या इस प्रश्न का सही उत्तर हो सकता है बताइए चलिए तो यहां पर देखिए आप सभी लोग याद रखेंगे पंडित जी पानी पंडित जी आप भी पानी पीजिए तो जब आपका इस्तेमाल हो गया तो जाहिर सी बात है पी का ही इस्तेमाल करेंगे तो इस प्रकार जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर के साथ हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का सम्मान शब्द का समानार्थक शब्द आपको बताना है क्या हो सकता है तो सम्मान का मतलब क्या होता है बताने की कोशिश की देखिए सम्मान को हम लोग मान भी कह सकते हैं प्रतिष्ठा भी कह सकते हैं बड़ाई भी कह सकते हैं आदर भी कह सकते हैं उसके अलावा इज़्ज़त भी कहा जा सकता है ठीक है चलिए तो इज्जत भी कह सकते हैं हम लोग समानार्थी शब्द और यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा ये नहीं होगा ये नहीं होगा ये नहीं होगा बल्कि इज्जत कह सकते हैं सम्मान को तो इस प्रकार आपका राइट आंसर अगर जा रहा है ऑप्शन नंबर थ्री के साथ तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का अगला प्रश्न देखिए कि पाठ पढ़ाने वाले को क्या कहा जाता है अध्यापक कहा जाता है पाठिका कहा जाता है वाचक कहा जाता है या लेखक कहा जाता है पाठ पढ़ाने वाले को क्या कहा जाता है बताने की कोशिश कीजिए देखिए लिखने वाले को तो लेखक कहेंगे और बोलने वाले को वाचक कहेंगे लेकिन जो पाठ पढ़ाता है उसको तो अध्यापक ही कहेंगे उसको तो क्या कहेंगे उसको तो अध्यापक ही कहेंगे तो इस प्रकार आपका राइट आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर वन हो जाता है अगला प्रश्न देखिए बूढ़ा शब्द का विलोम आपको बताना है क्या होता है तो बात करें बूढ़ा का विलोम क्या होगा बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग बताइए चलिए तो बूढ़े को हम लोग वैसे वृद्ध भी कह सकते हैं ठीक है वृद्ध भी कह सकते हैं लेकिन बूढ़े को तो यहाँ पर बात करें विलोम बताना है तो नौ जवान कहेंगे क्या कहेंगे नौ जवान कहेंगे तो इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर टू के साथ चला जाता है अगला प्रश्न देखिए कि अनुपम शब्द का परेवाची आपको बताना है कौन सा है अनुपम का परेवाची आपको बताना देखिए अनुपम के कौन कौन से पर्यवाची होते हैं तो अनूठा कह, कह सकते हैं अनुपम को अप्रतिम कह सकते हैं अनोखा कह सकते हैं और उसके अलावा अद्वितीय भी कह सकते हैं तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो अद्वितीय हो जाएगा अनुपम का परेवाची क्या हो जाएगा अद्वितीय हो जाएगा बात आपको ध्यान रखना है प्रश्न का उत्तर आपको ध्यान रखना है अगला प्रश्न देखिए जो आंखों के सामने ना हो उसको हम लोग क्या कहेंगे अंतर्जान अलौकिक अप्रत्यक्ष या अग्रणी तो बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है चलिए तो जो आंखों के सामने ना हो उसको जाहिर सी बात है अप्रत्यक्ष ही कहेंगे क्या कहेंगे उसको हम लोग अप्रत्यक्ष ही कहेंगे और जो आंखों के सामने होता है उसको हम लोग प्रत्यक्ष कहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं उसको प्रत्यक्ष कहते हैं ये बात भी आप सभी लोगों को याद रखना है अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बता देंगे इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या होगा तो डाकू एक शब्द दे रखा है यहाँ पर और पूछा जा रहा है कि डाकू का अगर भाववाचक संज्ञा बनाओगे तो क्या बनाओगे बताइए तो क्या डकैत बनाएंगे ठीक है डकैत बनाएंगे डक इत बनाएंगे डाक इत बनाएंगे या डाकू इत बनाएंगे तो देखिए डक इत तो कोई शब्द ही नहीं हुआ डक इत तो कोई शब्द ही नहीं हुआ डाक इत भी कोई भी शब्द नहीं हुआ डाकू इत भी कोई शब्द नहीं हुआ बचा क्या डकैत तो आप डकैत शब्द भी सुनते हो तो यही तो डाकू का भाववाचक है डाकू को जब भाववाचक में इस्तेमाल करना होता है तभी तो कहते हैं भैया डकैत तो इस प्रकार आपके इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर वन आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर वन के साथ हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का चलिए तो ये आपका आज का अंतिम प्रश्न था आप सभी लोगों को वीडियो को लाइक करना है और सभी को वीडियो को शेयर करना है तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली क्लास में जय बी ए जय बी ए जय बीए जय हिंद वंदे मातरम